हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेटवर्क में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क। क्या नाम है? टू पोर्ट नेटवर्क। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम इससे पहले कौन सा पोर्ट, कितने पोर्ट पढ़ रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे वन पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई हम डिवाइस या कोई भी एलिमेंट हम बनाते थे, उसके एक्रॉस हम वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करते थे। तो मान लीजिए ये कोई है, इसमें ये कोई नेटवर्क है, ठीक है। ये कोई नेटवर्क है, इसमें जो करंट इंटर कर रही है वही करंट बाहर आ रही है। मतलब एक इसको बोलते हैं पोर्ट। अगर जो करंट किसी एक पॉइंट से इंटर करे और दूसरे पॉइंट से सेम वही करंट बाहर निकल जाए, तो ये एक पोर्ट कहलाता है। नेट करंट क्या हो जाएगी? जीरो। और जैसा कि इसके क्रॉस वोल्टेज हमने क्या लिया? वी, ठीक है। तो ये वन पोर्ट नेटवर्क है। वन पोर्ट नेटवर्क में जो करंट यहां से इंटर कर रही है और ये करंट बाहर आ रही। जैसा कि इसमें आप यूज कर रहे थे रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, कि एक आप इंडक्टर कैपेसिटर ले रहे थे, उस टू टर्मिनल डिवाइस है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने लिया, और ये टू टर्मिनल डिवाइस है। कौन सा टू टर्मिनल डिवाइस? एक टर्मिनल ए, एक टर्मिनल ए। अब इसी को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ये ध्यान से समझिएगा। तो इसमें मान लीजिए आपने कोई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ये बी वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो इसमें करंट इंटर करेगी आई, यही सेम करंट। अब देखिए इसको एक नेटवर्क मान लिया हमने। ये नेटवर्क कौन सा है? ये रेजिस्टिव नेटवर्क है, ठीक है। ये कौन सा नेटवर्क है? रेजिस्टिव नेटवर्क है, ठीक है। और सेम करंट बाहर निकल रही है, नेट करंट क्या हो गई? जीरो। तो ये एक पोर्ट कहलाता है, तो इसको वन पोर्ट बोलते हैं। ओनली वन पोर्ट है ये पोर्ट, क्लियर। तो ये आपका रजिस्टर है, रजिस्टर हुआ आपका, और ये आपका इंडक्टर हुआ या आपका कैपेसिटर हुआ। तो ये जो यूज कर रहे थे वन पोर्ट के लिए। लेकिन कुछ ऐसे और एलिमेंट हैं जो हम टू पोर्ट नेटवर्क में यूज करते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क में जैसे कि आपके पास आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये सब क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ट्रांजिस्टर है, ये सब डिवाइस जो है हम टू पोर्ट नेटवर्क में यूज करते हैं, क्लियर। तो अब इसमें इसका मीनिंग क्या है कि जैसे देखिए मान लीजिए कोई नेटवर्क है और इसके फोर टर्मिनल डिवाइस होते हैं। ये देखिए एक टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ये कोई नेटवर्क है, ठीक है। तो यहां से आप अगर मान लीजिए कि इसमें आपने वोल्टेज V1 ले लिया और करंट इसमें इंटर कर रही है I1, तो यही सेम करंट यहां बाहर निकलेगी I1, ठीक है, क्लियर। तो एक पोर्ट ये हो गया। और देखिए सेम इसी तरह से इधर देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई वोल्टेज V2 दे दिया और इसमें करंट इंटर कर रही है ये I2, तो इस नेटवर्क से पास होके इधर करंट क्या निकलेगी? I2। तो आप देखिए इस पोर्ट पे भी नेट करंट क्या है? जीरो है। और इस पोर्ट पे भी नेट करंट जीरो। थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट बताने उसी पे लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि है क्या ये टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो थोड़ा से बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये मान लीजिए करंट इंटर कर रही है, इतने करंट बाहर है, तो नेट करंट इस पे क्या हो गई? जीरो। तो ये एक पोर्ट कहलाएगा। इसी तरह से इधर देखिए, एक हमने वोल्टेज दिया तो यहां से करंट इंटर किया I2 और इतने सेम करंट बाहर आ गई, तो टोटल करंट यहाँ पे नेट करंट क्या हो गई? जीरो। तो एक पोर्ट ये हुआ। तो इसको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? ये टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। और ये क्या है? वन पोर्ट नेटवर्क है। ये क्या बन सकता था? वन पोर्ट नेटवर्क है।
ये वन पोर्ट नेटवर्क है। नेटवर्क को आप पूरा हम नहीं लिखेंगे, एन डब्ल्यू लिख देंगे ऑब्लिक में, तो आप समझ जाइए कि एन ऑब्लिक डब्ल्यू मतलब नेटवर्क। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क है। अब इसमें देखिए टर्मिनल कितने हैं, ये फोर टर्मिनल है। इस कितना है, फोर टर्मिनल है, फोर टर्मिनल है, ठीक है। और इसमें टू पोर्ट है, टू पोर्ट। यहां पे देखिए आपका आपका टू टर्मिनल है, टू टर्मिनल है और वन पोर्ट, ठीक है। तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट है। इसका एग्जांपल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, हमारा ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये सब है इनकी। ट्रांजिस्टर आपका बीजेटी हो सकता है, बीजेटी हो गया, एफईटी हो गया, ठीक है। तो ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इसमें एक पोर्ट इधर है और एक पोर्ट इधर है। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि किसी भी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक हमें चेक करना है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल आप एक डिवाइस है, आप एक डिवाइस है, तो उस डिवाइस के मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक मुझे चेक करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक इनपुट लूंगा, एक इनपुट दूंगा, फिर इसके बाद मैं आउटपुट ऑब्जर्व करूंगा, फिर इसके बाद वहां पे आपका आउटपुट इनपुट दूंगा, फिर इधर आउटपुट ऑब्जर्व करेंगे, तो इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगी। एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। अगर मैं आउटपुट पे एक कोई चीज फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, इनपुट को केवल चेंज करूं, जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है, कई फंक्शन पे डिपेंडेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, दूसरे फंक्शन को जज करना पड़ेगा वो उसके साथ वेरिएबल। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इधर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये देखिए इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इधर इसको बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इन कुछ कंडीशन पे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, उस टाइम पे आउटपुट कांस्टेंट रखेंगे, उसी तरह से हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, इंडक्टिव ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना है कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है या लो होता है। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करना है कि हाई होता है या लो होता है, तो मैं उस टाइम पे इनपुट पोर्ट पे ओपन सर्किट कर दूंगा या शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो आउटपुट को मेजर कर लूंगा। सेम इसी तरह से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें जानना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हमने बताया कि आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है, तो ये हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क, हम पढ़ रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क का आपने एडवांटेज समझा। ये वन पोर्ट नेटवर्क है, वन पोर्ट में आप केवल क्या करेंगे, आप बी बाई आई का रेशियो निकाल लिए, ये देखिए बी बाई आई रेशियो निकाल लिए, या इसी को कह सकते हो बी वन बाई आई वन का रेशियो निकाल लिए, बाद में इसी को आप जेड वन वन कह सकते हो, जेड वन वन कह सकते हो, या इसी को इनपुट इम्पीडेंस कह सकते हो। तो ये इनपुट इम्पीडेंस है, लेकिन हम इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इसमें कुछ एलिमेंट में चेंज करें तो हमें एग्जैक्ट इसमें क्या सर्किट में चेंज होगा वो हमें कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी कैलकुलेट करके, कुछ भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे भाई देखिए ये बी वन आई वन है इधर, इधर बी टू एंड आई टू है, अगर मैं बी टू को जीरो कर दूं मतलब आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करूं, तो बी वन और आई वन का रिलेशन देख लूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, क्लियर। फिर B1 एंड I2 का है तो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगर मैं कैसे भी दे सकता हूं कि अगर देखो इस नेटवर्क में B1 और I2 का क्या रिलेशन हो सकता है, और फिर इसके बाद B1 बाई I1 का रिलेशन क्या हो सकता है, तो बहुत सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट सकते हैं, जिसको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफर इम्पीडेंस बोलते हैं, क्लियर। तो बहुत सारे पैरामीटर हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी डिवाइस का। तो इसलिए हमारे टू पोर्ट नेटवर्क का ये एडवांटेज है। टू पोर्ट नेटवर्क में हमने बताया था कि आपको फोर टर्मिनल होता है एंड क्या होता है, फोर टर्मिनल टू पोर्ट, ठीक है, फोर टर्मिनल टू पोर्ट। अब आइए इसको थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है फोर टर्मिनल है,
फोर टर्मिनल, देखिए फोर टर्मिनल एंड सी टू कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बनेगा 4 × 3। जैसा कि आप लोग कॉम्बिनेशन सॉल्व करना जानते हैं तो 2 × 1 क्लियर, तो 2 × 1 तो ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो ये कितना हो गया 6। तो इसलिए 6 पैरामीटर में इस, तो आपके पास कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट को एनालिसिस करने के लिए 6 पैरामीटर बनाए गए 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क को एनालिसिस करने के लिए 6 हमारे पास पैरामीटर बने, कौन कौन सा मैं बता रहा हूं। एक है आपका जेड पैरामीटर, कौन कौन सा, कैपिटल जेड पैरामीटर। आप समझिएगा इन सब पैरामीटर की क्या रिक्वायरमेंट है, जेड पैरामीटर, ठीक है। फिर सेकंड आपका है वाई पैरामीटर, वाई पैरामीटर। फिर आपका थर्ड है जेड वाई एच पैरामीटर, ठीक है, एच पैरामीटर। फिर आपका है जी पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर, जी पैरामीटर। फिर इसके बाद आपका है जी बी, जी के बाद ए बी सी डी पैरामीटर, ए बी सी डी पैरामीटर, या इसी को बोलते हैं और में ट्रांसमिशन टी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर, क्या बोलते हैं टी पैरामीटर, टी पैरामीटर, ठीक है। इसके थोड़ा से और आगे बढ़िए तो आप देखिए इसी तरह ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश या टी डैश ट्रांसमिशन डैश पैरामीटर होते हैं, क्लियर। तो 2 पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर बनाए गए, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एस पैरामीटर, जी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर या और ए डैश बी डैश पैरामीटर। तो इन पैरामीटर को हमको पढ़ना है, क्लियर। तो आइए समझते हैं कि इन पैरामीटर का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो जो जेड पैरामीटर, अच्छा ये पैरामीटर कैसे डिसाइड करते हैं, ये पैरामीटर डिसाइड किया जाता है किसी भी डिवाइस के इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का फंक्शन देख के, कि मान लीजिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका किस पे डिपेंडेंट है एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसकी किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट, उसके अकॉर्डिंग हम इस पैरामीटर को चेंज उसके बाद हम पैरामीटर को चेंज करते हैं, पैरामीटर को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पैरामीटर यूज होगा, जेड पैरामीटर यूज होगा या वाई पैरामीटर यूज होगा या एच पैरामीटर होगा या जी पैरामीटर होगा या टी पैरामीटर होगा या टी डैश पैरामीटर होगा, जिसमें टी एंड टी डैश पैरामीटर तो आपका इलेक्ट्रिकल में ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, आगे वो डिस्कस किया जाएगा आपको। तो इसको एच को हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जेड पैरामीटर है, ये देखिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जेड पैरामीटर है शॉर्ट फॉर्म में जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में जो हमारा बी वन है ये फंक्शन ऑफ होता है आई वन एंड आई टू, ठीक है, और जो बी टू है ये भी फंक्शन ऑफ क्या होता है आई वन एंड आई टू, ठीक है। जेड पैरामीटर हमारा फंक्शन आप किसका होता है आई वन एंड आई टू। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह से बी वन इक्वल टू जेड वन वन आई वन प्लस जेड वन टू और क्या लिखते हैं आई टू, इसी तरह से बी टू इक्वल टू लिखते हैं जेड टू वन आई वन और प्लस जेड टू टू आई टू, क्लियर। तो जेड पैरामीटर को ऐसे निकला लिखा जाता है। अब इसको आगे मैं इसको और एनालिसिस करूंगा कि ये पैरामीटर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है, उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं बताया कि ये फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास कौन सा है, जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर में जो बी वन है फंक्शन ऑफ आई वन एंड आई टू होता है, मतलब इनपुट वोल्टेज करंट आई वन एंड आई टू पे है डिपेंडेंट है, क्लियर।
ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए और ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, आई वन एंड आई टू का फंक्शन है, क्लियर। इसी तरह से जो बी टू है, ये बी टू वोल्टेज ये आई वन एंड आई टू का फंक्शन है, आई वन एंड आई टू पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, ये क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। तो इनको अगर मैं किसी फंक्शन में लिखूंगा तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो कांस्टेंट को कहते हैं Z11, Z12, Z21 एंड Z22। और Z11, Z12, Z22 इन्हीं को कहते हैं जेड पैरामीटर। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड इक्वल टू, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट में बता रहा हूं, इसका और एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूं। Z11 हो गया, फिर इसके बाद Z12 हो गया, अदर Z21 हो गया, और उधर इधर Z22 हो गया, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो आपने एक पैरामीटर देखा, ये आपका Z पैरामीटर। अब मैं आता हूं Y पैरामीटर, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद है आपका Y पैरामीटर। अगर Y पैरामीटर की बात किया जाए, ये शॉर्ट में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है एवरी पैरामीटर का, मैं दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। तो आपके पास है वाई पैरामीटर, कौन सा है, वाई पैरामीटर, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो बहुत सिंपल है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वाई पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूं, तो वाई पैरामीटर में जो हमारा आई वन है, ये फंक्शन आप क्या होता है, बी वन एंड बी टू। इसका किसी भी डिवाइस का अगर इनपुट करंट दोनों वोल्टेज पे, अगर इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो जाएगी, तो वाई पैरामीटर हम यूज करेंगे, क्लियर। इसी तरह से जो हमारा आई टू है, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ ये हो जाएगा बी वन एंड बी टू। इसको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, आई वन इक्वल टू सेम उसी तरह से मैट्रिक्स फाइल में वाई वन वन, और ये हो जाएगा बी वन, और वाई वन टू ये हो जाएगा बी टू, और ये क्या हो जाएगा, आई टू इक्वल टू ये हो जाएगा टू वन, और ये हो जाएगा बी वन प्लस टू टू, और ये क्या हो जाएगा बी टू। तो अगर इसको मैट्रिक्स में वाई पैरामीटर को मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो ये देखिए वाई पैरामीटर को कैलकुलेट करना होगा, तो वाई पैरामीटर इक्वल टू होगा आपके पास वाई वन वन, वाई वन टू, और ये क्या आएगा, वाई टू वन एंड वाई टू टू। तो अगर ये सारे पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमने बताया कि देखिए ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंडेंट है, b1 एंड b2 पे। तो जब इनको अगर आप किसी फंक्शन के रूप में हम लिखेंगे, तो वो कोई कांस्टेंट मिले, आई वन इज द ए बी वन प्लस बी बी टू, ए और बी जो है ये वाई वन वन एंड वाई वन टू, क्लियर, ठीक है। अब ये वाई पैरामीटर हो गया, अब आपके आगे एक पैरामीटर और है, कौन सा, एच पैरामीटर, आइए उसको डिस्कस करते हैं। आपका है एच पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर आपका क्या है, एच पैरामीटर। अभी हमने वाई पैरामीटर बताया, अब हमारा नेक्स्ट है आपका एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर, इसी को बोलते हैं एच पैरामीटर, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। ये जेड और वाई पैरामीटर के मिक्स करके बनाया जाता है एच पैरामीटर, और यही यूज होता है हमारे ट्रांजिस्टर की एनालिसिस में, ये यूज होता है हमारे ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में। आप इसीलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर, ठीक है, ये पैरामीटर। तो इसका क्या होता है, जो हमारा बी वन होता है ये फंक्शन ऑफ क्या होता है, आई वन होता है, एंड बी वन इज द फंक्शन ऑफ आई वन एंड बी टू, ठीक है। इसी तरह जो हमारी आउटपुट करंट है, ये फंक्शन ऑफ क्या होती है, आई वन एंड ये क्या होगी, बी टू, ठीक है। तो अगर इसको लिखा जाएगा तो बी वन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, एच वन वन आई वन और प्लस एच वन टू बी टू, क्लियर। और ये आपका हो जाएगा आई टू इक्वल टू एच टू वन आई वन और प्लस एच टू टू बी टू। अच्छा, केवल अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सारे पैरामीटर का, ठीक है। इसको डीप में मैं एक एक पैरामीटर को लेके ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एच पैरामीटर। अगर कोई आपको कैलकुलेट करना कहेगा, तो आपको ये इसकी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, एच वन वन की
और H12 की और H21 की और H22 की, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना होगा आगे उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। H पैरामीटर के बाद आपका आता है G पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर आता है? G पैरामीटर आपका फिर आता है, H पैरामीटर के बाद आपका आता है G पैरामीटर। ठीक है, G पैरामीटर इसी का इनवर्स है, समझ लीजिए। आपका PI1 है, ये फंक्शन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे I1 है तो ये B1 होगा, ठीक है। और ये देखिए V2 है तो यहाँ पे ये I2 होगा, क्लियर। और ये देखिए यहाँ पे ये B2 है, B2 एज अ फंक्शन ऑफ, ये हो जाएगा B1 एंड I2, जस्ट इसका इनवर्स। जहां B1 है वहां I1 कर दीजिए, जहां I1 है वहां B1 कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आएगा I1 इक्वल टू आएगा G11 B1 प्लस G12 और ये आपका I2, और B2 इक्वल टू आपका आ जाएगा G11 B1 प्लस G22 I2। तो कोई जी पैरामीटर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपको ए टर्म कैलकुलेट करना है, G11 G12 एंड G21 एंड G22, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि ये एच पैरामीटर, ये है आपका जी पैरामीटर, इसका इनवर्स है, क्लियर। आगे इन सबों में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये नेक्स्ट टर्म देखते हैं, आपका टी पैरामीटर, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्लियर। टी पैरामीटर आपका है, टी पैरामीटर या इसी को कहते हैं ABCD पैरामीटर। ये यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जब हम पढ़ेंगे EMFT तो उसमें ट्रांसमिशन पैरामीटर यूज होता है, ठीक है। ये होता है B1 और ये होता है आपका, ये फंक्शन होता है B1 इज द फंक्शन ऑफ, अब ये होता है I1 और ये होता है B2 एंड माइनस I2 का फंक्शन होता है, और ये I1 इज द फंक्शन ऑफ क्या होता है, B2 एंड माइनस I2। तो इसको लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू AB2 माइनस BI2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका I1 होता है, ये हो जाएगा CB2 माइनस DI2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको फॉलो करेंगे। अगर हमें पैरामीटर T फाइंड आउट करना है तो T पैरामीटर होता है ABCD, ये कैलकुलेट करना होता है, क्लियर। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पैरामीटर आपका T-पैरामीटर, क्या है T-पैरामीटर में हमने बताया इसी को कहते हैं A- और इसी को B- C- D- पैरामीटर। इसका देखिए जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, आपका जो B2 है ये फंक्शन आप क्या होगा B1 एंड ये हो जाएगा I1, ठीक है, B1 माइनस I1, और ये आपका I2 जो है ये फंक्शन आप क्या हो जाएगा B1 एंड -I1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे B2 इक्वल टू लिखेंगे A B1 माइनस A डैश माइनस B डैश I1। फिर इसी तरह सिंपली I2 लिखेंगे C-B1 माइनस D- आपका I1, ठीक है। तो यहां से T-पैरामीटर अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो आपको कैलकुलेट करना होगा A-B-C-D-, ठीक है। ये तो मैं सारे पैरामीटर का आपका इंट्रोडक्शन दिया है, अभी मैं इसको डिटेलिंग नहीं किया, डिटेलिंग करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।